हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट संस्था जो भारत में काम करती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। और इसको जाना जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के भी नाम से जाना जाता है। काफ़ी न्यूज़ में रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महिलाओं को इक्वलिटी दिलाने के लिए समाज में, और उनके खिलाफ जो भी शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ सुओ मोटो यानी अपने आप ही स्वयं एक एक्शन लेती है, ताकि ऐसा ना हो कि सामाजिक प्रेशर और इनक्वालिटी के नाम पर उसकी आवाज़ दबी रह जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वुमेन के साथ यहाँ। सामाजिक जो ताना बाना है वो आज अगर हम देखें तो बहुत ही हास्यास्पद है कि एक मेंस्ट्रुएशन के पीरियड से लेकर और न जाने कहाँ तक वर्क प्लेस के एक्सप्लॉयटेशन तक सब तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। तो इसलिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो खुद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम होने से रोके, बेहतर गाइडलाइंस लाए उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि समाज में उनको एक अच्छा स्थान मिले। तो चलिए देखते हैं इस संस्था का क्या रोल है उसमें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसकी संवैधानिक बॉडी नहीं है। एक स्टैट्यू या एक्ट पास करके इसको इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन द पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द वुमेन। देखिए, विमेन के ऊपर कोई भी पॉलिसी मैटर बन रहा है उस पर इनकी गाइडेंस गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वुमेन का रिजर्वेशन का मामला हुआ, एंटी डाउरी एक्ट हुआ, विशाखा गाइडलाइंस हुई, ये सब विमेन एक्सप्लॉयटेशन हिस्ट्री को सप्रेस करने वाली चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, और भी और चाहेंगे तो मैं आगे कवर कर सकता हूँ। तो इनको गवर्नमेंट पूरा इनका गाइडेंस लेती है पूरी तरह। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। इस्टेब्लिश किया गया 31 जनवरी 1992 को। प्रोविजंस डिफाइंड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर विमेन एक्ट। देखिए, एक्ट के थ्रू जो चीज़ होती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसके पहली हेड थी श्री जयंती पटनायक जी। ये काफ़ी अच्छी एक सामाजिक इन्होंने ताना बाना अच्छा बना के रखा था, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में इनको इसीलिए बनाया गया था। काफ़ी अच्छे एक एक्टिविस्ट थे ये। और 2018 30 नवंबर से रेखा शर्मा जी इसकी चेयरपर्सन है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। फंक्शन से पहले इसका जो कंपोजिशन अगर हम देखें कि इसमें होता कौन कौन है। एक चेयरपर्सन है, ठीक है, जो कमीशन जितने होते हैं या कमिटी जो होती है उसका एक चेयरपर्सन होता है, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह नॉमिनेट करता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कोई इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। 5 मेंबर्स होंगे इसके, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ऐसे लोगों को इसमें रखा जाता है जिनका वुमेन कॉज के लिए उन्होंने काम किया हो। चेयरपर्सन भी ऐसे आदमी होना चाहिए, और ऐसे 5 लोगों को लिया जाता है जिनकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग और उनका स्टैंडिंग हो, एक्सपीरियंस किन चीज़ों में, लॉ एंड लेजिस्लेशन, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ऐसे बंदे की बहुत इंपॉर्टेंस है इस संस्था में, बहुत ज़रूरत भी है। ट्रेड यूनियनिज्म, इस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा हो। मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री पोटेंशियल फॉर वुमेन, मतलब वुमेन को किसी तरह भी आगे बढ़ाने में इनका एक इन्होंने योगदान दिया हो। वुमेन के वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक्टिविस्ट हो जिन्होंने अपना एक संस्था बना के और इस तरीके से काम किया वुमेन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ उन्होंने किया हो वुमेन के लिए, कोई स्कीम लाई हो, या फिर गवर्नमेंट क्या किसी स्कीम को बहुत अच्छी तरह चलाया हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन का इन्होंने करना चाहा हो अलग से इंडस्ट्री, उनको एंटरप्रेनर्स बनाकर, या उनके लिए कोई नई लोन की सुविधा आदि लाकर, इस तरीके से भी कोई अगर काम किया है तो उनको मेंबर्स रखना चाहेंगे। हेल्थ के लिए कुछ काम किया हो, एजुकेशन के फील्ड में कुछ काम किया, सोशल वेलफेयर, ऐसे लोगों को, 5 ऐसे आदमी को मेंबर बनाया जाता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि एक मेंबर जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होना, तो एक SC ST का मेंबर इसमें से होना ही चाहिए, एक मेंबर में से। ये बहुत ही कंपल्शन किया हुआ गवर्नमेंट ने। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करूं मैं, तो पहली बात, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन। औरतों को बहुत सारे सेफ गार्ड प्रोवाइडेड हैं। 97 के विशाखा गाइडलाइंस हो गई, एंटी डाउरी एक्ट हो गया, ठीक है, और जो ये फिटनेस रिस्ट्रिक्शन वाला जो चलता था, ठीक है, जो
गर्ल चाइल्ड होती ही थी तो उसको भ्रूण में ही मार दिया, भ्रूण ही मार दिया जाता था उसका। तो ऐसे ही सेफ गार्ड जो गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के PNDPT एक्ट वगैरह जो बनाए थे उनमें सही काम हो रहा है कि नहीं, वुमन को उसके इतने गाइडलाइंस के अलावा भी इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं। पता चला धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और आज भी वही जो है हत्या हो रही है, जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही समाज में। तो इसका काम है कि वो सेफगार्ड ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। विशाखा गाइडलाइन बन गई, वो उसके अंतर्गत एक कमेटी होनी चाहिए वर्क प्लेस में, वो सब इंस्टॉल है कि नहीं, ये चेक करना काम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है इन्हीं के कार्यशैली पर, रिकमेंडेशंस भी देता है कि सेफ गार्ड को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या ठीक चल रहा है, ये सब बताता है गवर्नमेंट को। ये वुमेन रिलेटेड लेजिस्लेशन अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई कानून पास कर रही है, उसमें ये गवर्नमेंट को एडवाइस के रिव्यू करते हैं उसको, और इनएक्युरेसीज और शॉर्ट कमिंग्स को, उसमें कमियाँ हैं वो बताते हैं। वायलेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट वुमेन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, वुमेन के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस है, वायलेशन ऑफ लॉ है, उसको दिया जाएगा। एक वुमेन को जैसे कि पुरुष थाने में नहीं रखा जाता, तो इस चीज़ को करेक्टली फॉलो होना है, नहीं हो रहा है तो ये संस्था उसमें नोट करेगी। और कुछ इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि कंप्लेंट्स में लुक इन टू करता है, नहीं भी है तो सुओ मोटो एक्शन लेता है। सुओ मोटो मतलब स्वयं अपना एक्शन ले लेता है, कोई केस करे ना करे ये उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करता है। वुमन राइट के लिए काम करता है, हार्डशिप ऑफ वुमेन को कम करने की कोशिश करता है, वेलफेयर रिलीफ देने की कोशिश करता है। और कुछ स्पेशल स्टडीज़ हैं इस फील्ड में, वुमेन्स फील्ड में, वुमेन वेलफेयर फील्ड में, मान लीजिए वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वुमेन का योगदान क्या हो सकता है, इस पर एक स्टडी ग्रुप बनाना है। ये सब काम ही करेगा, रिसर्च करेगा इस पर, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लानिंग प्रोसेस इसको दिया जाता है, रिसर्च करवाता है ये, और प्लानिंग प्रोसेस भी में हेल्प करता है गवर्नमेंट की। पावर क्या क्या है इसके पास में, ये क्या करता है, कमेटी बना सकता है, ठीक है। जैसे इसने इसकी कमेटी बना दी कि PNDPT एक्ट ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं, कहीं भी अभी भी फीटस टेस्टिंग हो रही है, कहीं अनऑथराइज इलीगल, एक कमेटी वर्क ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से अपनी काम कार्यशैली के लिए अलग अलग कमेटी बना सकता है, ठीक है। और मेंबर्स को बाहर से भी, कमेटी के बाहर से भी कोऑप्ट करके उसमें ऐड कर सकता है। और अगर द कमीशन वायर इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इन टू एनी कंप्लेंट, तो अगर कोई मैटर या कोई कंप्लेन कोई इंक्वायर कर रहा है, तो इसके पास क्या क्या पावर है, पूरा सिविल कोड का पावर है, ठीक है। जैसे कि आप पे कोई स्वीट करता है, कोई केस करता है, उसको आपको झेलना पड़ता है, ऐसे ही ये पूरा उस तरह के पावर्स इसको दिए गए हैं। तो किस किस तरह के पावर इसको है, समन कर सकता है, आपकी अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकता है किसी भी पार्ट से इंडिया के, और आपको बयान देने के लिए आना पड़ेगा इसके पास में, अपने आप को टेस्टिफाई कराना पड़ेगा। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसको किसी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड आपको देना पड़ेगा। एविडेंस को एफिडेविट्स पर सत्यापन करा के एविडेंस को ये रिसीव कर सकता है। किसी पब्लिक रिकॉर्ड को कोर्ट और ऑफिस से मंगा सकता है। समन जारी कर सकता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट मांग सकता है उससे किसी और मैटर के लिए भी, ठीक है। समन कर सकता है उनको विटनेस डॉक्यूमेंट को, और या फिर कोई और मैटर के लिए भी इनको समन कर सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है भाई इन्वेस्टिगेट कर लो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कंसल्ट करेगा मेजर पॉलिसी मैटर जो वुमेन से इफेक्टिव रहेंगे, उनके लिए पक्का पूछेगा इससे। और इसके वर्किंग का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कमीशन जो है वो वर्बली या राइटिंग की कंप्लेंट्स लेता है, सुओ मोटो एक्शन लेता है, ठीक है। कोई भी केस नोटिस करता है, भले ही वो गरीब फैमिली है, इसको नहीं रिपोर्ट कर पा रही, लेकिन ये ज़रूर उस केस को जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब जो चल रहा है, ये सब ऐसे इश्यूज को उठाता है। हरासमेंट, डाउरी, टॉर्चर, मर्डर, किडनैपिंग, अबडक्शन, कंप्लेंट अगेंस्ट NRI मैरिजेस, बहुत बड़ा इशू है ये। डेजर्शन, पत्नी को छोड़ दिया जाता है, बायगैमी, दो शादियाँ, रेप, पुलिस हरासमेंट, ब्रुटैलिटी, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो कॉमन एक तरह के वुमेन रिलेटेड हरासमेंट क्राइम या एक्सप्लॉटेशन क्राइम्स होते हैं, उसमें बिल्कुल इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना ही करना, उसको क्लियरली मॉनिटर करना है, कहीं ये एसिड अटैक्स हो गया, ऐसे केसेस चैलेंजेस आते रहते हैं, तो ये उठाता है उसकी आवाज़ को बराबर तरीके से। अब इश्यू क्या क्या चल रहे हैं इसमें, अब इसका क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट है,
तो इसके पास खुद की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं। जब ये बीमारी होती है ना, ये जब इस तरह का फंडिंग की बीमारी होती है, पूरा प्रेशर सेंटर गवर्नमेंट का इस पर रहता है। गवर्नमेंट का कोई आदमी NCW के चक्कर में फंस गया, NCW चुपचाप ढीला पड़ जाएगा। एक न्यूट्रलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जाती रहती है जब इस तरीके से ग्रांट्स पर वो डिपेंडेंट रहता है, उसका कोई फिक्स शेयर नहीं है उसमें, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड होता है, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब इसको नहीं दी गई है किसी, क्लियरली विजिबल हो रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट मामूली सा है, क्या रिसर्च करेगा ये। ठीक है, NCLU मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कमीशन डज नॉट हैव पावर टू सिलेक्ट इट्स ओन मेंबर्स। सेंटर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। कमीशन अच्छे बंदों का बनाया गया है, नॉलेजेबल बंदों का बनाया गया है, फिर भी उसके पास पावर नहीं है कि अपना मेंबर वो अपॉइंट कर सके, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो ये हो सकता है कि बिल्कुल पपेट बन के बन जाए गवर्नमेंट का। जनरली देखा यही जाता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का आदमी इसका चेयरमैन ही रहता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव पावर इतना कोई कंक्रीट इसके पास है नहीं, बिल्कुल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके पास। अब इसका एक्चुअली पावर है ही क्या कि ये रिपोर्ट सबमिट करता है, अमेंडमेंट्स रिकमेंड करता है, एडवाइस देता है, ये कोई इन्फोर्सिंग नहीं है। गवर्नमेंट उसको ले या ना ले, गवर्नमेंट मे नॉट बाय योर एडवाइस, ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी एडवाइस को लेगा। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो स्पॉटलाइट के इश्यूज होते हैं मीडिया में आ गए, उन्हीं पे एक्ट करता, सुओ मोटो वाला इस थोड़ा पाँव खींच लेता है, इसमें भी पॉलिटिसाइजेशन काफ़ी हो जाता है इसका। और ठीक है, तो अनरिपोर्टेड केसेस को टोटली इग्नोर कर देता है, ये इसका प्रॉब्लम है कि एक तरह से अनरिपोर्टेड केसेस चले जाते हैं, जो न्यूज़ में आ गए उस पर चल देता है बस। ये एक इसका इनोवेशन है जिसको पारिवारिक महिला लोक अदालत बोला जाता है। ये क्या है कि स्पीडी जस्टिस है मैरिज और फैमिली अफेयर्स के लिए, जो बहुत सारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, एक तरह के लोक अदालत का जैसा ही है कि NGOs वगैरह ने भी इसकी काफ़ी हेल्प की है, और स्टेट वुमन कमिश्नर या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज पारिवारिक महिला लोक अदालत, इन्होंने बोला गया स्टेट के लेवल पर उनकी जिम्मेदारी है। अब ये पारिवारिक महिला लोक अदालत क्या है कि ये जस्टिस ऑफ फॉर वुमन को बहुत ही फास्ट करने के लिए एक तरह का जुडिशियल अरेंजमेंट है। ये जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग कंसल्टरी मोड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब बातचीत करके मेल जोल के डिस्प्यूट सेटलमेंट को कैंसिल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लोक अदालत का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने की, इसमें मतलब यही इसका मोटो रहता है, ताकि एक तरह से लोक अदालत पे लोड कम हो और फटाफट महिलाओं के अगेंस्ट कोई ऐसा मुद्दा हो तो वो क्लियर हो जाए। और ये भी कोशिश करते हैं कि आउटसाइड फॉर्मल सेटअप में आप कैंसिल कर लो अपने डिस्प्यूट्स को, किस लिए फालतू में कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। तो इस तरह का रिकंसल्टरी मेथड को यूज़ करते हुए जस्टिस लाने का तरीका है। तो आपका वीडियो देखने का धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने व्यूज़ दें, लाइक करें, डिसलाइक भी करें, और आपको वीडियो लग रहा है कि कमी है और सजेशन जरूर दें। चलिए, वीडियो देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।